हेलो एवरीवन, माय नेम इज लिपिका मंडल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी बॉडी स्क्रबिंग के बारे में। मैं यहाँ पर टू इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया हूँ। एक है होममेड दही। होममेड दही अगर आपके पास ना हो तो आप मार्केट बेस यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड है चावल का आटा। जो भी चावल आप खाते हो थोड़ा सा लेकर उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ले, थोड़ा सा दरदरा पीसना। ये स्क्रबिंग हफ्ते में एक बार और दो बार कर सकते हो। स्क्रबिंग इम्पॉर्टेंट है। पॉल्यूशन की वजह से स्किन के ऊपरी हिस्सों में जो डर्ट्स गंदगी बैठ जाता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। यदि आप स्क्रबिंग नहीं करते हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हो लाइक फेस पैक, फेस सीरम, फेस क्रीम, जो भी यूज करते हो उसका जो 100% बेनिफिट है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता। सो इसीलिए स्क्रबिंग हफ्ते में एक बार और दो बार इम्पॉर्टेंट है। सो मैं इसको कैसे बनाती हूँ देख लेते हैं। यहाँ पर यूज किया हूँ 2 टेबलस्पून कर्ड। दही के अंदर लैक्टिक एसिड होते हैं, स्किन के लिए एक ग्रेट मॉइस्चराइजर है, स्मूथ बनाते हैं, सपल बनाते हैं स्किन को, टैन को रिमूव करता है, स्किन में जो रेडनेस आ जाता है सन के वजह से उसको रिड्यूस करते हैं, रिंकल्स को मिनिमाइज करता है। राइस के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स पाया जाता है, स्किन को टाइट स्मूथ करता है, टैन को रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालने में हेल्प करता है, एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैं यहाँ पर बैंडेज को काट दिया हूँ और पैक के अंदर डीप करके मैं मेरे हाथ के ऊपर मसाज करने वाली हूँ फॉर 4 to 5 मिनट्स। मैं यहाँ पर हाथ पे करके दिखा रही हूँ, आप पूरे बॉडी पे करना। अब ये स्क्रब ड्राई हो चुका है, मैं मेरे हाथ को धो लूंगी थोड़ा सा मसाज करके। इसको कैसे बनाई हूँ और आप रिजल्ट भी देख चुके हैं। जस्ट इन वन एप्लीकेशन आप इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। सो आप प्लीज अपने घर पर कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।